मैं पाकिस्तान से तुर्की आई, मेरी उम्र 7 साल की है। मैं बहुत बीमार हो गई थी, मेरे पेट में पानी हो गया था, इसलिए मैं बहुत बीमार हो गई थी और स्कूल नहीं जाती थी। मेरा नाम जवैया शकील है और ये मेरे हस्बैंड हैं, इनका नाम शकील है और ये मेरी बेटी है, ये 7 साल की है। हमारी शादी को जो है 8 साल हो गए। हमारे 2 बच्चे हैं, यशवा बड़ी है और वो एक छोटी बेटी है। यशवा जब 6 साल की हुई तो इसकी बीमारी हमें तब जाहिर हुई थी। इसकी आंखें येलो हो गई, पूरी इसकी बॉडी येलो हो गई थी, इसका पेट फूल गया था। तो हमने काफ़ी ज़्यादा मतलब पाकिस्तान में इसका इलाज करवाया है, वहाँ काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स हैं, हमने उनसे भी कॉन्टेक्ट किया है। काफ़ी हम 1 साल से मज़ीद इसका इलाज ही करवा रहे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी बीमारी जो है ज़्यादा ही होती गई, ज़्यादा होती गई। इन्फेक्शन आए दिन इसको रहने लगा, इसने खाना पीना जो है छोड़ दिया। हमने वहाँ काफ़ी ज़्यादा इलाज करवाया है इसका, लेकिन इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। लेकिन वहाँ जो है पाकिस्तान में जो है ट्रांसप्लांट के कोई अच्छे डॉक्टर्स नहीं थे, पूरी टीम नहीं थी, इस वजह से हमें यहाँ आना पड़ा है। यशवा जब बीमार हुई थी तो उसको पीलिया हो गया था, तो हमें यही डर लग रहा था कि हम इसका ऑपरेशन किस तरह कर सकते हैं और इसका ट्रांसप्लांट किस तरह करेंगे। हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अल्लाह ने किया, इसका ऑपरेशन हो गया। Biz burada tüm tetkiklerini yaptık Yashfa'nın. Yashfa'da şunu gördük. Doğuştan bir metabolik hastalığı var ve bu hastalık onun artık karaciğer yetmezliğine kadar götürmüştü. Nihai sonuçlarda şunu gördük. Yashfa'ya bir karaciğer nakli gerekiyordu. हम तो बिल्कुल परेशान हो गए थे जब इसकी बीमारी का पता चला हमें, तो हमने यही फैसला किया कि मैं इसको अपने जिगर देता हूँ। जब हम चेक कराने के लिए गए तो मेरा जिगर इसके साथ मैच नहीं हो रहा था, फिर वाइफ ने कहा मैं देती हूँ, तो उसने भी अपना जिगर चेक कराया लेकिन वो भी मैच नहीं हो रहा था, तो इसलिए हम बहुत परेशान हो गए थे। फिर इसके ताए का चेक कराया तो ताए का मैच हो गया, तो ताए ने कहा मैं इसको अपना जिगर देता हूँ, तो फिर उसके बाद हम बहुत खुश हुए और अल्लाह का शुक्र अदा किया हमने। मेरा नाम जमील है और इसका मैं ताया हूँ। मुझे पता चला कि ये बीमार है तो इसके मेरी भतीजी नहीं, मेरी बेटी है ये, इसके लिए मुझे जो कुछ करना था मैंने किया है और इसी के लिए मैंने करना था, सब कुछ मेरे हाथ में था और इसी के लिए मैंने अपना her ikisinden ameliyat aldık. Yaklaşık bir 8-10 saatlik bir ameliyattı. Ameliyatta herhangi bir problem yaşamadık. Amcasından aldığımız küçük bir karaciğer parçasını Yashfa'nın hastalıklı karaciğerini çıkardıktan sonra o bölgeye taktık. Yashfa ameliyat sonrası herhangi bir problem, sorun yaşamadı. Önemli bir komplikasyonumuz olmadı. Ve bugün de çok sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor. हम यहाँ डॉक्टर पोलार्ड से बहुत ज़्यादा खुश हैं और हम उनको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हम उनको बहुत थैंक्स कहना चाहते हैं, उनका, उनकी पूरी टीम का, मेमोरियल का, पूरे स्टाफ का। बहुत ज़्यादा जो है हम खुश हैं, तहे दिल से हम उनको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। Yaklaşık 6,5-7 yılda 1000'e yakın karaciğer nakli yaptık. Bunları %90 üzerinde bir başarıyla gerçekleştiriyoruz. Merkezimizin diğer bir özelliği de pediatrik karaciğer nakillerinde gerçekten çok başarılı olması. Türkiye'de yapılan tüm pediatrik karaciğer nakillerinin %25 ile 30'unu Memorial Ataşehir Hastanesi'nde yapıyoruz. Türkiye olarak da baktığımızda duruma, canlı vericili karaciğer nakillerinde Türkiye dünya birincisi. Amerika ile ben kıyaslayacak olursam pediatrik nakillerde özellikle 2016 yılı için rakam vereyim. Tüm Amerika'da yani 300 milyonun üzerinde olan bir ülkede yapılan pediatrik nakil sayısı 515. Aynı yıl Türkiye'de yapılan sayı 225. Bunun %40'ına yakınını biz Ataşehir Memorial Hastanesi'nde yaptık. Bu gerçekten önemli bir başarı. Deneyimimiz çok fazla, komplikasyon oranımız çok düşük ve survey dediğimiz yani başarı oranları da %90'ların üzerinde. Apni bahen ko bahut zyada miss karti hu. Main Pakistan jaake apni bahen ke saath khelungi aur main bade hokar pilot banungi.
शुक्रिया मेमोरियल शुक्रिया मेमोरियल